लगातार ये तस्वीरें आ रही है वीरेश, अब आगे के घटनाक्रम पर क्या कह सकते हैं? देखिए आगे का घटनाक्रम यह है कि मैं फिर उस घर पर ले चलने की कोशिश कर रहा हूं, वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं। लगातार हमने इस बात की कोशिश की कि सिराजुद्दीन और उसके परिजन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी कुछ बोल सकें, कैमरे पर कैद हो सके, अपना पक्ष रख सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें बोलने नहीं दिया और इस वक्त पुलिस की चारों तरफ घेरेबंदी में उनको लेकर जाया गया है। एटीएस मुख्यालय जा रहा है, एटीएस मुख्यालय। ये बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि सिराजुद्दीन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी को लेकर एटीएस मुख्यालय जाया जा रहा है। यहाँ पर मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि इसी घर से, उस पिछले दरवाजे से निकालकर सिराज, सिराज की पत्नी, सिराज की बेटी को एटीएस मुख्यालय ले जाया जा रहा है, जहाँ पूछताछ की जाएगी। और लगातार हमारी कोशिश है कि इस पूछताछ में क्या निकल कर आए, सबसे पहले सोर्सेस पर हम खबर देने की कोशिश। देखिए एटीएस के लोग जा रहे हैं, फिर कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये लोग कहां जा रहे हैं, क्या कहेंगे। और एसएचओ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने एसएचओ काकोरी से बात की, क्या बताया? देखिए ये कह रहे हैं कि मदर को, यानी सिराज जो मीनाज पकड़ा गया, उसके फादर को, उसकी मदर, दोनों को एटीएस लेकर गई है और अब अपने ही साथ रखेगी। जब तक पूछताछ होगी तब तक अपने साथ रखेगी। कहाँ लेकर गया ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कन्फर्म किया है कि माँ को। बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को दूं, एटीएस मुख्यालय ले जाया गया है, जहाँ पूछताछ की जा रही है, जहाँ पर मीनाज मौजूद है, साथ ही साथ दूसरे जो चार आतंकी गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनके सामने सिराजुद्दीन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी को और मीनाज की पत्नी को बैठाकर आमने सामने पूछताछ की जाएगी। एटीएस मुख्यालय कुछ देर के अंदर, 10 मिनट के अंदर दुबग्गा से पहुंच जाएगी, ये परिजन पहुंच जाएंगे, जहां पर पहले से आतंकी मीनाज और उसके दूसरे साथी जो कैद हैं, जो गिरफ्त में हैं, जो पुलिस और एटीएस जिनसे पूछताछ कर रही है, जहां जीके गोस्वामी एटीएस चीफ मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, सामने सामने किया जाएगा। यानी सिराजुद्दीन, जिसकी एक गाड़ी है, फोर्ड फिगो है, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जिसमें बैनर पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें पास लगा हुआ है, बाटला हाउस कांड से भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का रिश्ता था, रिश्ता लिहाज से ये कह रहा हूं कि इसकी जांच हुई थी, CANRC में भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की जांच हुई थी, बड़ा आंदोलन हुआ था CANRC में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय तक उपद्रवी पहुंच गए थे, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। उस दरमियान भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध थी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने उत्पात मचाया था, बाटला हाउस कांड में भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की संलिप्तता नाम आया था, जिसकी जांच हुई थी। और सिराजुद्दीन, जिसे ले जाया गया है, इसकी गाड़ी पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास है, और सोर्सेस से खबर यह है कि यह पठन पाठन का काम करता रहा है, अब रिटायर हो गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस परिवार को लेकर एटीएस मुख्यालय जाया गया है, जहां पर मैं, वहां पूछताछ की जाएगी मीनाज और उसके पुत्रों और को रखकर, सिराज के पुत्रों को रखकर, उसकी माँ से, उसके पिता सिराजुद्दीन से, उसकी बहन से, उसकी पत्नी से आमना सामना कराया जाएगा। पुलिस की इंट्रोगेशन की ये तकनीक है। हमारे साथ अनुभव शुक्ला है, साथ ही बताइए, हमने जो एटीएस के अफसर आए थे उनसे पूछा कि ब्रीफकेस में क्या था, तो उन्होंने कहा कि अब उनके जो माँ बाप हैं उनको घर पर नहीं लाया जाएगा, वो वहीं पर रहेंगे जहाँ एटीएस रखेगी, वहीं पर उनसे पूछताछ होगी। एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो, तब तक उनसे भी पूछताछ लगातार होगी। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट थे, खासतौर से घर के भीतर जो मौजूद थे, उसमें बैंक के कुछ डिटेल लेकर गए हैं, और साथ ही साथ जो ट्रैवल इन्होंने किया है दुबई में, दूसरी जगहों पर, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं, जो बोरा था उसमें वही सारे पेपर लेकर गए हैं। निश्चित रूप से आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन जो 10 से 11 बोरे बांधकर इस घर से निकाले गए, जो बोलेरो, सबसे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी कि बोलेरो में 12-11 के लगभग बोरे, जो सफेद बोरे थे,
जो खाद और बीज के होते हैं, जिसको बड़ा बकायदे तरीके से बांधा गया था, उसमें आपत्तिजनक देश तोड़ने वाली सामग्री साहित्य की थी। साथ ही साथ कुछ विस्फोटक थे जिसे 10 से 11 बोरों में भरकर ले जाया गया एटीएस मुख्यालय, और उसके बाद जब घर से सब कुछ सामान निकाल लिया गया, सारी संदिग्ध वस्तुओं को निकाल लिया गया, उसके बाद सिराज जो मिन्हाज जो मानव बम बनने को तैयार है, जो देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है, सिराज को लेकर, उसकी पत्नी को लेकर, मिन्हाज की माँ को लेकर यहाँ से ले जाया गया और यहाँ से एटीएस मुख्यालय ले जाया जा रहा है। अब से महज 5 मिनट के अंदर सिराज, सिराज की पत्नी, मिन्हाज की पत्नी, उसकी बहन वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर पहले से मिन्हाज मौजूद है, जिससे आमने सामने की पूछताछ होगी। अब इस मकान में एटीएस के लोग यहाँ खाली कर चुके हैं, कमांडो यहाँ से जा चुके हैं, केवल यूपी पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, कमांडो सारी गाड़ियों से निकल चुके हैं, एनएसजी के लोग निकल चुके हैं, एटीएस के लोग निकल चुके हैं, आरएएफ के लोग निकल चुके हैं, बस यूपी पुलिस और लोकल थाना यहाँ मौजूद है, जो मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूँ। केवल लोकल थाना यहाँ मौजूद है, बाकी सारी सुरक्षा एजेंसीज यहाँ से जा चुकी है, आईबी के लोग जा चुके हैं, एलआईयू के लोग जा चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि सिराजुद्दीन को भी ले जाया गया है, उसकी पत्नी को भी ले जाया गया है, उसकी बेटी को भी ले जाया गया है। मिन्हाज जो मानव बम बनने को तैयार, उसके बेटे, दो दो बेटे आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो यहाँ पर पनाह देता था अफगानिस्तान, ईरान से आए हुए विदेशी नागरिकों को, देशद्रोहियों को वो यहाँ पनाह देता था। इस पनाहगार को सील कर दिया गया है, आतंकियों को पनाह देने वाले इस दुबग्गा के घर को सील कर दिया गया है, आतंकियों को पनाह देने वालों को ले जाया गया है, एटीएस मुख्यालय में ले जाया गया है, जहाँ आमने सामने रख कर जो हिरासत में रखे गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। प्राथमिक दृष्टि से जो पूछताछ में चीजें और तथ्य सामने आई थी, उसे प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सबके सामने रखा, लेकिन सोर्सेस से खबर आ रही है कि जब आमने सामने रखकर बातचीत की जाएगी तो और भी सारे तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इसीलिए सबको लेकर गए हैं, वो सारे लोगों को एक साथ लेकर गए हैं और उनसे सबसे पूछताछ कर रहे हैं, और इसीलिए परिवार को भी, उनके पिता को लेकर गए हैं, उनकी माँ को लेकर गए हैं, यही आमने सामने जब बैठाकर पूछताछ होगी तभी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो नहीं बता रहा है मिन्हाज, पूछताछ में उसने नहीं बताई हैं, नहीं स्वीकार की हैं, लेकिन अब जब सामने बैठाएंगे तब उसे साफ पता चलेगा कि कौन कौन लोग थे जो इस पूरे मॉड्यूल में उसके साथ शामिल थे। देखिए, दो तो आज पकड़े गए लेकिन दो फरार भी हो गए, तो क्या उनका कोई और कनेक्शन है, क्या वो लगातार यहाँ घर आते रहे, कौन कौन लोग थे जो उसके दोस्त बनकर मिन्हाज के यहाँ इस घर में आते रहे, इन सारी चीज़ों को वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए अभी जब एटीएस के जो अफसर, हमने उनसे पूछा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूछताछ तो इनसे भी होगी, लगातार तकरीबन 6 घंटे तो यहाँ पूछताछ की है, लेकिन अब चूँकि मिन्हाज जो है वो एटीएस की हिरासत में है और अब मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है, तो अब परिवार के जो माँ है, जो बाप है, उनसे भी पूछताछ कर रही है एटीएस। निश्चित रूप से पूछताछ होगी और आमने सामने रखकर पूछताछ होगी, और तब तक उन्हें नहीं वहां से हटाया जाएगा जब तक उनकी भूमिका, उनकी संदिग्ध भूमिका की जानकारी न हो सके। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि अब इस घर में चारों तरफ से ताला लगा दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है, और जो लोकल स्थानीय पुलिस है उनके कुछ लोगों को यहाँ अंदर जरूर रखा गया है, और ये मकान सील कर दिया गया है बाहर से, इस मकान को अंदर से जो यूपी पुलिस के लोग हैं उन्होंने वहां से सील कर रखा है, बंद कर दिया है, और अब ये एटीएस के कब्जे में है मकान। अंदर की कुछ तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक स्कूटी है, एक छोटी सी कार है, और ये दरवाजा बंद है, ये सीढ़ी ऊपर जाती है, इसी सीढ़ियों से होकर एटीएस के जवान, जो जांबाज जवान है, ऊपर चढ़े थे, इस ऑपरेशन को अंजाम दिए थे और ऑपरेशन को सफल अंजाम दिए थे। अब केवल 3 आतंकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी गिरफ्त से बाहर हैं, ऐसे में उन तीनों को भी जब पकड़ लिया जाएगा तो 7 आतंकियों का जो ये ऑपरेशन है, जो अलकायदा के यूपी चीफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उत्तर प्रदेश को 15 अगस्त के दिन दहला सके, बर्बाद कर सके, तबाह कर सके, उसको उसमें से 7 लोगों में से 4 पकड़ लिए गए हैं। शुरू में 2 लोगों को पकड़ा गया था यहाँ पर, 5 जब एटीएस के ऑपरेशन की जानकारी हुई तो वो बाहर निकल गए, भाग चुके, भागने के बाद 2 लोगों को मलिहाबाद और मड़ियाहू से पकड़ा गया, और अब अभी जो
एजेंसीज हैं उनकी गिरफ्त से केवल 3 बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ में चप्पे चप्पे पर छापेमारी की जा रही है, जो रेलवे स्टेशन है वहां छापेमारी की जा रही है, चार बाग सहित जितने रेलवे स्टेशन है वहां छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल वीरेश।